जिंदाबाद जिंदाबाद यादव जिंदाबाद 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह छोटू भैया जिंदाबाद बसरत रहने दो। हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन ऑफिशियल। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत दिन के बाद आज चल रहे हम लोग गंगा जी नहाने। हमारे तरफ इधर दूसरी साइड में सूख गया, सब पैदल ही आर पार जाते हैं। तो आप लोग बहुत दिन से व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब थे। चलिए आज चलते हैं दोस्तों के साथ, मस्त नहाया जाएगा, मस्ती करेंगे, चलेंगे साइकिल निकालेंगे और चलेंगे कोयला बाबा की तरफ। चलिए चलते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं। तो गाइस हमारे में रिचार्ज भी नहीं है, तो इस फ़ोन में रिचार्ज कराए हैं योगी सरकार वाले में, इसी से चला रहे हैं। चलिए मस्त चलते हैं और मस्त आज नहाया जाएगा, एंजॉय किया जाएगा। सो गाइस चलिए फाइनली हम लोग गंगा जी की तरफ आ गए हैं। देख सकते हैं वहाँ पर साइकिल अपना लगा दिए हैं, मत यहाँ पर शौकत अली, तो हम दोनों लोग साथ में चल रहे हैं नहाने। और हरिओम भाई को कॉल किए हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं। तो इधर देख सकते हैं मस्त गौ माता, तो काफ़ी हम लोग दूर जाना है। सो गाइस चलिए फाइनली सुजीत भाई कब आ रहे हैं बोलिए, हम लोग आज ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। आइए एकदम स्टाइल में भैया ले आज ना, जल्दी आज ना आओ, जल्दी दौड़ो तय अलिया ले दो चार को अंक तेने मजा आई। सो गाइस चलिए फाइनली चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं फाइनली तीरे आ गए हैं और अपने अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं। हम लोग दो ही लोग आए हैं तो मज़ा नहीं आएगा, देखते हैं फ़ोन करते हैं, फोनों में कौन सा उठावत काम करें। भाई देखिए फ़ोन कर रहे हैं, देखते हैं उठाते हैं कि नहीं बिने भाई पर। अंशु जी के बुलाओ के चाहिए तो के अंशु जी मर गेला गला बार बार आ गए। सो गाइस चलिए फाइनली फोन कोई नहीं उठा रहा है, अब अकेले ही नहाना पड़ेगा। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें। गाइस चलिए फाइनली हमारे दो लोग आए हैं मस्त और नहा रहे हैं हम लोग इसी में। तो देख सकते हैं सामने गाइस। चलिए फाइनली अब मोबाइल रख लेते हैं, वो नहा लिया जाए, अब मोबाइल रख लिया जाए, उसके बाद चलते हैं हम भी उधर गारे में नहाने। ले गाइस फोन रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं नहाने। सो गाइस चलिए फाइनली नहा लिए हम, बहुत काफ़ी धूप भी हो गया है 6:30 बजे करीब में, तो यहीं पर बैठे हैं कपड़ा बदल कर, चलते हैं साइकिल लेंगे और निकलेंगे तुरंत घर, बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है। तो गाइस फाइनली हम दुकान पर आ गए और मस्त देख सकते हैं नया नया कूलर आया है, ये छोटा सा 11 का, बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है गाइस, गर्मी में कूलर आया है छोटा सा 4,000 का करीब पड़ा है। चलिए मस्त अब यहीं पर दोपहर में दुकान खुला रहेगा, दोपहर में बंद हो जा रहा था और इधर देख सकते काफ़ी मस्त हवा दे रहा है, पानी भी इसमें डाल सकते हैं। अभी देखते हैं नहाकर तुरंत दुकान ही पर आए हैं, मस्त यहाँ पर देख सकते हैं दुकान पर, और इधर देख सकते हैं सब बाहर झाड़ू लगा कर धो दिए हैं पानी से, और मस्त धूप भी बहुत काफ़ी तेज़ हो चुका है। तो देख सकते हैं दुकान मेरा हमारा चश्मा रखने का जगह पर कूलर रखा गया है, तो देखते हैं सेट किया जाएगा, अभी सब सामान इधर उधर हो गया है, तो चलिए अभी सेट करते हैं इसको, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। 2 करोड़ था और वो भी किसको, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मऊ से जो टिकट दिया उस टिकट की कीमत 2 करोड़ ली थी। जो व्यक्ति इनको जमीन से उठा के आसमान तक ले गया, जब उसका नहीं हुआ तो भाई आपका क्या हुआ। दूसरे जो नेता है लाल झंडे वाले मल्ला अभिराज जी के नेता बनते हैं,
आपको याद दिलाना चाहूंगा अपने मल्ला भाइयों को, माझी भाइयों को, कि याद करें 2018 में मोदी जी गाजीपुर आ रहे थे, आने वाले थे। बिंद मल्ला संगठन के लोगों ने एक पत्रक देने का प्लान बनाया कि मोदी जी को याद कराया जाए कि आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मछुआ समाज को उसका हक हिस्सा देंगे, उसका विकास करेंगे। कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे पत्रक देने जा रहे थे, आप सब राजनीतिक लोगों को याद होगा, दिसंबर 2018 का वो मामला है। ऐसी कठुआ मोड़ पर उनको रोक दिया गया और उनके ऊपर लाठीचार्ज कराई गई, सैकड़ों को मुलजिम बनाया गया और जेल में डाल दिया गया। और उनके नेता संजय निषाद सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, लेकिन उस मछुआ समाज के लालों को उस मुकदमे से छुड़ाने के लिए उनको कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। हम कैसे बड़े बन जाए इसकी फिक्र में लगे हुए हैं। इसलिए मैं मछुआ समाज के भाइयों से और राजभर समाज के भाइयों से आग्रह करने आया हूं विशेष तौर पर कि आप पहचाने आपका हितैषी कौन है, आपके लिए वाकई सोचने वाला कौन है कि आपका समाज शिक्षित बने, आपके बच्चे पढ़ लिख के नौकरी वाले बने, आपके बच्चों का विकास हो। अगर भारतवर्ष में इस वक्त अगर कोई गठबंधन या दल है जो सोच रहा है इस बात को, तो उस गठबंधन और दल का नाम इंडिया गठबंधन है। हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि इंडिया गठबंधन के आप नेताओं को जिताएं। अगर वो जीतते हुए हमारी सरकार बनेगी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है कि हम सबसे पहले जातिवाद जातिगत जनगणना कराएंगे और जिस जात की जितनी संख्या आएगी उतनी उसकी भागीदारी का हम जिम्मेदारी से तय करेंगे और उनको हिस्सा और हक देंगे। अगर हम अपने लोगों का विकास चाहते हैं, अपने समाज का विकास चाहते हैं, तो वो दोनों नेता जो आपकी ताकत पर आज राज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए और आइए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई सनातन पांडे जी को विजय बनाइए। उनकी जीत से ही आपके विकास के दरवाजे खुलेंगे और आपको विकास की ओर आगे बढ़ने का मौसम मिलेगा। गवे तैयार है सर? जरा हाथ उठा कर बताओ। रही और सारी बातें, अब 3 दिन चुनाव रह गया। हम अगर किसान हैं तो किसानों को ठगा गया है। वो अपने दर्द को याद करें कि रात रात भर हमारा किसान अपनी फसल को बचाने के लिए लाठी लेके डांट से लेके सिवान में सर्दी में मारा मारा फिर रहा था। वो तकलीफ अपनी याद कीजिए और उस तकलीफ को याद करके साइकिल का बटन दबाइएगा, उस तकलीफ का बदला लेने के लिए साइकिल का बटन दबाइएगा। और जो मनरेगा 100 दिन का था कि हर व्यक्ति को 100 दिन काम मिलना जरूरी है, उसे 100 को बढ़ा के 150 कर देंगे। देश में पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है। मोदी जी हमें या आपको कुछ देने वाले नहीं, गुजरातियों को अलबत्ता देने वाले हैं। किसी किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा कर्जा भी नहीं था, केवल 2 लाख करोड़ था, वो माफ नहीं हुआ। और मोदी जी ने अपने गुजराती व्यापारियों का 20 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया।
इसलिए कि वो उनके थे, हम उनके नहीं है। आप पहचाने आपका कौन है, आपको कौन वाकई तकलीफ से निकालना चाहता है, तो उस नेता का नाम श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी है और उसके अलावा कोई दूसरा नेता उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। इसलिए साथियों भाइयों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हमारे नेतागण आ रहे हैं, अभी और बहुत से मंच में नेतागण बैठे हुए हैं। मैं आप सबको सचेत करने आया था और अपने से ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने का समय आ गया है। पहली तारीख इन फासिस्ट ताकतों से बदला लेने का दिन है और प्रजातंत्र में धोखेबाज, जुमलेबाज, बड़े बड़े सपने दिखाने वाले नेताओं से बदला वोट की ताकत से लिया जा सकता है। हमें बाबा साहब ने जो वोट देने का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार को हमारे पूर्वजों ने इन्हीं नारों को लगा के देश से उनके व्यक्तित्व से अपने को जोड़ते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी जो तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन पांडे जी का आग्रह था, मैं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इतिहास के पन्ने आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने इस हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को समझा और 18वीं और 19वीं शताब्दी में पुनः जागरण के माध्यम से एक देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया। उस क्रांतिकारी परिवर्तन के और महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए, उन्होंने एक नारा दिया सत्य और अहिंसा का, और करो और मरो के नारे पर पूरे सारे समाज के, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो हिंदुस्तान की सभी मजलूम जो जातियां हैं, कमजोर हैं, उनको मिलाने के लिए उन्होंने पीडीए का जो नारा दिया है, जिस प्रकार की गांधी जी को नेता मान करके हम सबों ने, सभी वर्ग के लोगों ने देश को आजाद कराने का काम किया, तो आज जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उन परिस्थितियों को हमें पहचानने की जरूरत है। उस स्थिति को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी यादव जी ने कहा, जिंदाबाद यादव, जिंदाबाद, 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह, छोटू भैया जिंदाबाद, बसरत रहने दो। अब इस बीच में हम देख रहे हैं गठबंधन के हमारे साथी भाकपा माले के नेता राम विलास यादव जी आप यहां मौजूद हैं। हम आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आवे, बताओ की कड़ी में हम अपने विधानसभा अध्यक्ष, बड़े नेता और शानदार नेता साथियों, एक बार जोर नारा लगाइए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बसी कुशवाहा जिंदाबाद। हम निवेदन करेंगे कि मोहम्मदाबाद के शानदार और महबूब नेता विधायक मनु अंसारी साहब आवे और गोरखपुर की धरती को संबोधित करने का काम करें। लंबे समय से आपका इंतजार हो रहा था, दो मिनट विधायक जी आपका, आप हम लोगों का अधिकार है, आपको बोलना पड़ेगा, दो मिनट संबोधन करिए और इसके बाद हम लग जाए। आज इस ऐतिहासिक गांव शेरपुर में आयोजित चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालक कर रहे हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र यादव जी, हम लोगों के बीच में मौजूद इंडिया के मन्नत के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय सनातन पांडे जी, पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा जी, रामधारी यादव जी, गोवर्धन जी,
क्षमा चाहते हुए सबसे, देखिए अभी इनको 6 जगह और जाना है माननीय प्रत्याशी जी भवन के। अभी मोहम्मदाबाद में 2 कार्यक्रम है, 2 फेफना में है और 1 बलिया सदर में है, और 10 बजे तक की परमिशन होती है। आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग का है। बस आप लोगों से सबसे यहाँ पे मौजूद अपने बड़े बुजुर्गों नौजवान भाइयों सबसे निवेदन करेंगे कि यह ऐतिहासिक काम रहा है, और जब जब चुनाव आया है गौसपुर ने अपनी ताकत हमेशा दिखाई है। गाँव के सम्मानित प्रधानमंत्री हमें विश्वास है कि अब तक का जितना भी रिकॉर्ड है, अब तक का जितना भी रिकॉर्ड गौसपुर ने आपने वोट के माध्यम से बनाया है, आने वाली 1 तारीख को सारे रिकॉर्ड तोड़ के पूरी विधानसभा में 1 नंबर के गौसपुर होगा। हमें विश्वास है आपके ये जो चित्र अपना बनाए रखिएगा, अपना सारा समय अपने मुख्य अतिथि जी को देना चाहेंगे। रविंद्र यादव जी के आजादी की लड़ाई का साथियों एक बड़ा मकाम था, 1942 का आंदोलन जिसका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज वही दौर आया है साथियों, आज भारत के लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो, क्योंकि आपके सारे भाई मैं और चौकीसी से लेकर के नीरज मोदी से लेकर के तमाम लोगों ने इस देश का धन लेकर के और भारत छोड़ने का काम किया है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने का आपके पास आखिरी मौका है साथियों, इसके बाद फिर तुम्हारा मौका नहीं मिलेगा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। इसलिए गौसपुर की धरती पर हम आवाज देना चाहते हैं अपने महबूब उम्मीदवार हम लोग के नेता सनातन पांडे जी को, आग्रह करेंगे कि आप आवे और इस जन समूह को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय सनातन पांडे जी, हम नारे के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातन पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सौरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज के सभा के सम्मानित अध्यक्ष मंडल के सम्मानित साथी विधवा पासवान जी, शिवनाथ कनौजिया जी, मुन्ना चौधरी व्यास जी, शिवभूजन प्रजापति जी, साथी हमारे संचालनकर्ता भाई बोल रहे थे यह देश का अंतिम चुनाव है और इसके बाद जो भारत का संविधान बचेगा अलग चुनाव होगा, और ये सांसद जी भी इसी बात को कह रहे हैं। साथियों लड़ाई जो है जिस जो लड़ाई बलिया में चल रही है 72 लोकसभा की, ये हर लड़ाई से अलग हो गई है। हर जगह दलित आधार पर लड़ाई हो रही है, यहाँ दलगत लड़ाई नहीं हो रही है, यहां व्यक्तिगत वाद प्रत्यवाद किए जा रहे हैं। विपक्ष आपकी ताकत के सामने घबरा गया है। इस सरकार का जो मंत्री हमारे ऊपर, हमारे मां के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी मां जिंदा है उसको स्वर्ग में बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है उनके माता पिता बहुत दुखी होंगे, उन्होंने अपने बेटे का नाम सनातन रखा है। लड़ाई अपने कामों की चर्चा पर नहीं हो रही है, अपने सरकार की उपलब्धियों पर नहीं हो रही है, 10 साल पहले जो वादा किए तो उस पर नहीं हो रही है। ये लड़ाई सिर्फ जो है सनातन पांडे को कैसे नीचे दिखाया जाए, ये भूल गए हैं कि सनातन पांडे अकेले नहीं है, हम गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ 26-27 दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, और बलिया 72 लोकसभा की जो है 18 लाख मतदाता का मैं चाहता हूँ, और मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, उनके परिवार का हूँ। अगर मुझे गाड़ी दिया जा रहा है तो आपको भी दिया जा रहा है, मैं इस बात को महसूस करता हूँ। लड़ाई में बड़ी दिक्कत आती है, लड़ाई में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। महाभारत की लड़ाई में जब भगवान कृष्ण
अर्जुन का रथ हाँक रहे थे तभी उनके भांजा अभिमन्यु की मृत्यु हुई। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है कि उसके जीते जी बेटे की राह उसके कंधे पर हो, लेकिन राय हुई लाई सत्य सत्य और असत्य की बीच चल रही थी, लाई न्याय और अन्याय की बीच चल रही थी। आज मुझे कहने लोग गुड़े नहीं है क्या, जो ही लड़ाई फिर चल रही है कि लड़ाई न्याय और न्याय की लड़ाई है। आपने 5 साल पहले मुझे सांसद बनाने का काम किया, आपके मुद्दों का सांसद में और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हराने का काम किया था, और हराने के बाद भी हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो है विश्वास किया और भारत के संविधान पर विश्वास किया। और हम जब घटना जब काउंटी स्तर से बाहर आ रहे थे तो लोगों ने मेरे ऊपर झंडी डंडा लाठी बरसाने का काम किया था। तब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये लड़ाई मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है, चाहे जितने भी गुंडे चाहे जितने भी बदमाश चाहे जितने भी समाज के बढ़ने वाले लोग अगर एक होकर मिलने का काम करेंगे तो आपकी ताकत के बदौलत शासन पहले जो है अकेले लड़ने का काम करेंगे। शासन पाने के साथ आपकी ताकत होगी, आपकी ताकत के बदौलत पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आजाद भारत है और भारत के धर्म भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, इसको हम मानते हैं, विपक्ष लोग मानते हो चाहे न मानते हो, मैं मानता हूं। मैं लोकतांत्रिक देश व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिका हुआ है, मैं मानता हूं।